been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा मार्वल डीसी प्लस हॉलीवुड की न्यूज़। तो उससे पहले अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज लाइक नहीं कराए तो आप प्लीज़ जाके लाइक कर लीजिए, जिससे कि मेरी यूट्यूब की वीडियो आने से पहले आपको वो सारी न्यूज़ मेरे ऑफिशियल अकाउंट पर मिल जाएगी। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की तरफ से। तो फाइनली काफ़ी लोगों को इंतजार है कि एक्वामैन का ट्रेलर कब लॉन्च होगा। यार, मेरे को भी काफ़ी टाइम से इंतजार था, बट फाइनली अब लग रहा है कि एक्वामैन का ट्रेलर जल्दी ही पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ट्वीट करा गया तो ट्वीट में साफ बोला कि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं बट अभी तक कोई ट्रेलर नहीं आया, तो शायद अब उम्मीद है कि ट्रेलर आ जाए। उसके बाद माइकल, जो कि इन्हीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में यांडू का रोल करते हैं, उन्होंने ये बोला अभी हाल ही में कमेंट में कि यांडू यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 सिर्फ मेरे ऊपर बनी थी। उसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 में आपको इन्हीं माइकल कीटन दोबारा देखेंगे, जो कि वल्चर के रोल में दोबारा से रिटर्न हो रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ही बढ़िया। देन उसके बाद अपकमिंग न्यूज है फॉक्स की तरफ से। तो फाइनली डार्क फियोनिक्स का नेम चेंज कर दिया गया। जी हाँ, पहले एक्समैन द डार्क फियोनिक्स था बट अब डार्क फियोनिक्स कर दिया गया, इसमें से एक्समैन हटा दिया है। तो फाइनली उसका फर्स्ट पोस्टर था। उसके बाद अपकमिंग हॉलीवुड की मूवी जॉन वीक, इसका थर्ड चैप्टर आ रहा है जिसमें कि हेला बेरी फाइनली न्यू कास्ट करी गई है। और देन लगता है कि ये किसका रोल करेंगी, तो फाइनली उम्मीद है कि ये एक विलन का रोल कर सकती हैं, पर मिस्टीरियस विलन का रोल करेंगी। तो देखते हैं कि कौन सा रोल मिलता है, बट उम्मीद है कि ये एक विलन का रोल कर सकती हैं और इसकी अभी शूटिंग भी चालू है। देन उसके बाद अपकमिंग स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 में आपको सिनिस्टर 6 का कैमियो देख सकता है। जी हाँ, तो फाइनली आप जानते हो कि मिस्टीरियो और आइनी वल्चर तो है ही है इसमें, बट और भी कैरेक्टर्स में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगली न्यूज़ है डीसी की तरफ से। तो फाइनली शज़ैम का ऑफिशियली फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, तो आप उनका वो बिजली का इन लोगों जो देख रहे हो वो कितना चमक रहा है, तो ये काफ़ी शानदार लग रहा है और लोगों से पसंद भी कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है एवेंजर 4 की तरफ से। तो फाइनली एवेंजर 4 में कंफर्म ये हुआ है कि आयरन मैन बनाएगा इन्फिनिटी गॉटलेट और देन वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपने पास ले लेगा, तो ये बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। देन उसके बाद अगली न्यूज़ है डेडपूल की तरफ से। तो फाइनली डेडपूल ने एक्सटेंडेड कट जो आपको नहीं देखने मिले वो आपको एक डीवीडी में मिल जाएंगे, जो कि 4K में रिलीज होंगे। उसके बाद जॉन वीक में अभी हाल ही में जो कास्ट करी गई है तो उसकी शूटिंग भी लगातार चालू हो चुकी है, तो यानी कि आज भी रिसेंट इसमें शूटिंग चालू चल रही है। देन उसके बाद अगली न्यूज़ है वंडर वूमेन की तरफ से। तो वंडर वूमेन अपकमिंग मूवी आने वाली है 2, और उसका न्यू कॉस्ट्यूम आपको देखने को मिलेगा जो कि पहले पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। उसके बाद अगली न्यूज़ है ड्रैक्स की तरफ से। तो फाइनली आपको याद होगा WWE के रेसलर यानी कि बटिस्टा, वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ड्रैक्स का रोल करते हैं। अब ये को न्यू कास्ट करे गए हैं, इनका नाम है टाइटस, तो वो है मार्वल फेज 4 में किसका रोल करेंगे और उन्हें एक्चुअल में कास्ट कर लिया गया है, तो देखते हैं उन्हें मार्वल फेज 4 में कौन सा रोल मिलता है। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़, तो फाइनली यहाँ पर डिज्नी कंपनी की तरफ से पहले भी एक मूवी आई थी द जंगल बुक, बट अब यहाँ पे एक मोगली की पिक्चर आई है, तो काफ़ी लोग उसका पार्ट समझ रहे बट है नहीं है। तो फाइनली इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप देख जाइए और काफ़ी अच्छा ट्रेलर है। देन उसके बाद अपकमिंग यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जैक। तो फाइनली जैक को पहले ही रोल मिल रहा था स्पाइडरमैन 2 के लिए, बट लोगों ने टॉबी को पसंद करा, तो देखते हैं आपको ये कितना अच्छा लगता है। उसके बाद डेडपूल 2 का बॉक्स ऑफिस थर्ड डे का कलेक्शन हो गया 33 करोड़, जो कि इंडिया का है, तो ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी लोगों को, बट रणवीर की आवाज़ बिल्कुल बेकार। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर बैटमैन की याद मारो या सुपरमैन के, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।